दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं भारत के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली एयरटेल कंपनी की तरफ से काफी बढ़िया इनिशिएटिव यहां पर लिया गया है, जहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से जो भी सिम कार्ड को यहां पर सेल किया जाएगा उस सिम कार्ड के अंदर मेनली वर्जिन प्लास्टिक को छोड़कर रिसाइकल पीवीसी को यहां पर यूज किया जाएगा, जिससे जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन जो है वो 50% से भी ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे एयरटेल। मेनली सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए एयरटेल कंपनी की तरफ से इस तरीके का स्टेप यहाँ पर लिया गया है। तो अल्टीमेटली एयरटेल के ये छोटा सा स्टेप से भारत का जो एनवायरमेंट है उसका क्या कुछ फायदा यहाँ पर होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों भारत के अंदर अगर मैं एयरटेल कंपनी की बात करता हूँ तो आपको पता है ऑलमोस्ट 400 मिलियन ग्राहक है एयरटेल के अंदर। अगर आप 2G सिम कार्ड यूज़ करते हैं या 5G सिम कार्ड यूज़ करते हैं, हर एक के अंदर आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत है। अगर आप सिम कार्ड को ध्यान से देखते हैं, मतलब फिजिकल सिम कार्ड को ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर सिम कार्ड किससे बना हुआ है। वो वर्जिन प्लास्टिक से बना हुआ है, जो एयरटेल अभी के टाइम तक अपने सिम कार्ड को मैन्युफैक्चर करते थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यहाँ पर निकलते थे। एयरटेल की तरफ से यहाँ पर बताया गया है एयरटेल हर साल यहां पर 165 टन जो है वो मेनली ये वर्जिन प्लास्टिक जो है ये प्रोड्यूस करते हैं सिम कार्ड बनाने के लिए, जिसके अंदर टोटल 690 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो काफी बड़े मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जो एनवायरमेंट को काफी ज्यादा हार्म यहाँ पर करते हैं। तो एयरटेल ने फाइनली यहाँ पर पार्टनरशिप किया है IDEMIA कंपनी के साथ, एक सिक्योर ट्रांजेक्शन कंपनी के साथ, जिनके साथ पार्टनरशिप करके एयरटेल कंपनी मेनली वर्जिन प्लास्टिक को छोड़कर रिसाइकल पीवीसी के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, जिसके अंदर एयरटेल कंपनी यहां पर ठीक किया है कि आने वाले 2030-31 फाइनेंशियल ईयर तक एयरटेल कंपनी 50% तक के अपने कार्बन एडिशन को कम कर सकते हैं। तो यहां पर एयरटेल कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये जो इनिशिएटिव का बेस साल रखा गया है वो 2020-21 रखा गया है, और यहां पर इसका जो टारगेट ईयर रखा गया है वो 2030-31 रखा गया है। मतलब ये जो 10 साल है, इस 10 साल के अंदर एयरटेल अपने कार्बन एमिशन को 50% तक के रिड्यूस करेंगे, ये छोटा सा स्टेप करने के साथ साथ, क्योंकि जो वर्जिन प्लास्टिक है उसे बनाने के लिए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एमिट होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और एयरटेल मेरे लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए। मेरे लिए 10 साल के अंदर एयरटेल कंपनी जितना ज़्यादा हो सके कार्बन एमिशन को कम करे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो एनवायरनमेंट वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। आपको पता है आज से 20 साल पहले जिस तरीके का एनवायरनमेंट कंडीशन था, आज के डेट के अंदर एनवायरनमेंट कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये पर्टिकुलर चेंज को थोड़ा सा रोकने के लिए एयरटेल कंपनी की तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जा रहा है कि मेनली पूरे तरीके से जो रिसाइकल पीवीसी है यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसके अंदर मेनली यहाँ पर शिफ्ट करने वाला है, जिसके अंदर जो रिसाइकल मटेरियल है उसे यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इससे दो फायदा होंगे, एक जो है जो नेचर है उसके अंदर प्लास्टिक जो है वो कम यहाँ पर यूज़ होंगे, और उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके यूज़ किया जाएगा, मतलब उसका एक यूज़ केसेस भी यहाँ पर होंगे। आपको पता है भारत के अंदर ऑलरेडी जो है वो प्लास्टिक बैन काफ़ी सारे राज्य के अंदर हो चुका है, सेंट्रल की तरफ से भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर लाया गया था अपने प्लास्टिक को, प्लास्टिक का जो यूजेस है उसे काफ़ी ज़्यादा कम करने के लिए। अब एयरटेल का ये पर्टिकुलर स्टेप काफ़ी बढ़िया है। आपको क्या लगते हैं भारत के अंदर जो भी टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करते हैं और जहाँ जहाँ पर भी प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ होता है, डायरेक्टली प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करना होता है, उस जगह के अंदर अगर रिसाइकल प्लास्टिक को यहाँ पर यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली एनवायरमेंट के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो वो यहाँ पर डालेंगे। आपको क्या लगते हैं भारत के हर एक टेलीकॉम कंपनी को क्या इस तरीके का स्टेप लेना चाहिए? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यही सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस समय लगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।